उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हिस्ट्री सिटर तौकीर उर्फ मिर्ची को पकड़ने गई पुलिस पर की फायर, दो सिपाहियों और तीन स्थानीय लोग घायल। आपको बता दें कि जिले के निघासन कोतवाली के चौकी क्षेत्र का पूरा मामला तौकीर उर्फ मिर्ची हिस्ट्री सिटर ने की फायरिंग, पुलिस के साथी सहित पाँच लोग घायल हुए हैं। हमलावर तौकीर उर्फ मिर्ची पर दर्ज है कई मुकदमे। आपको बता दें कि दो सिपाहियों और तीन स्थानीय लोगों के साथ सोमवार रात जानलेवा हमले, चोरी और लूट सहित कई मामलों में वांछित आरोपी तौकीर उर्फ मिर्ची को पकड़ने गए थे। उनके साथ निशानदेही के लिए दो अन्य लोग भी थे। रात करीब 10 बजे टीम हिस्ट्री सिटर के घर पहुंची। टीम को देख उसने उन पर फायरिंग कर दी। गाँव बंदरीपुरा पुरवा के पड़ोस में ही एक गन्ने के खेत में बने खंडर नुमा मकान में था। पुलिस फोर्स ने चारों ओर से घेर लिया था। मौका पाकर उक्त साथी बदमाश फायरिंग करते हुए भाग निकला। बदमाश द्वारा की गई फायरिंग में दो पुलिस के साथी और कई के हाथ में छर्रे लगे हैं। घटना पर पहुंची एसपी विजय टुल। आपको बता दें कि वहीं इस मामले में पुलिस जांच में जुट गई है और घायलों का इलाज किया जा रहा है। आप देख रहे हैं नूह से लियाकत अली की रिपोर्ट। बीती शाम थाना निघासन क्षेत्र अंतर्गत टापरपुरवा गांव के पास पड़वा चौकी इंचार्ज अपने हमलाई पुलिस बल के साथ गश्त पे थे कि उन्हें क्षेत्र के एक अभ्यस्त अपराधी तौकीर की गाँव के पास एक खंडर में छुपे होने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर चौकी प्रभारी हमराय पुलिस बल के साथ खंडर की तरफ बढ़े। उन्हें आता देख तौकीर वहां से भागने लगा। पुलिस के द्वारा तौकीर का पीछा किया गया। तौकीर भागकर समीप के गांव पड़वा में घुस गया, जहां पर पुलिस के द्वारा उसका पीछा किया गया। पुलिस को ग्रामीणों के द्वारा भी तौकीर को पकड़ने में सहयोग दिया गया। अपने आप को घिरता देख तौकीर के द्वारा एक ग्रामीण को सिर में बट से चोट मारकर घायल कर दिया और उसके द्वारा ग्रामीणों पर एक फायर किया गया। 12 बोर के तमंचे से किए गए फायर से निकले पैलेट से तीन ग्रामीण और दो पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। अंधेरे का फायदा उठाकर तौकीर मौके से फरार हो गया। सभी चोटिल ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों को प्राथमिक उपचार दिया गया और उनकी हालत सामान्य है। प्रकरण में थाना निघासन में सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त तौकीर की गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी निघासन के नेतृत्व में चार पुलिस टीमें क्षेत्र की कॉम्बिंग कर रही है।